जय माता दी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आप पहली बार माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी आपको बताऊंगा, ताकि वैष्णो देवी यात्रा में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। वीडियो में बताऊंगा माता रानी वैष्णो देवी तक कैसे पहुंचे, होटल कहां बुक करें और कितनी रेट की रहेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, RFID कार्ड कैसे बनाए, यात्रा के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा रहेगा, घोड़े पालकी पिट्टू की रेट क्या रहेगी, वैष्णो देवी जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट में जय माँ वैष्णो देवी लिखना ना भूले। माता रानी वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुटा की पहाड़ी में सी लेवल से 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा बेस कैंप से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैष्णो देवी पहुंचने का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन है, जिसके कोड SVDK है। आपके शहर से डायरेक्ट कटरा की ट्रेन नहीं है तो आप जम्बूतवी रेलवे स्टेशन पर भी आ सकते हो। अगर आप फ्लाइट से माता रानी वैष्णो देवी आ रहे हो तो आपको जम्बू एयरपोर्ट पर आना होगा। जम्बू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जम्बू से कटरा के लिए हर 10-15 मिनट में बसें मिल जाएगी। नॉर्मल बस का किराया 85 रुपये और डिलक्स बस का किराया 165 रुपये रहता है। जम्बू से आप 1500 रुपये टैक्सी के देकर जम्बू से कटरा तक ले जा सकते हो। जम्बू से कटरा पहुंचने में लगभग 2 घंटों का समय लगता है। अगर आप जम्बू उतरे हो तो RFID कार्ड आप जम्बू से ही बनवा ले। जम्बू में RFID कार्ड आप वैष्णवी धाम भवन से बनवा सकते हो। यहाँ कटरा के मुकाबले कम भीड़ रहती है, इसीलिए आप जम्बू उतरे हो तो जम्बू में ही RFID कार्ड बनवा ले। डायरेक्ट आप कटरा उतरे हो तो RFID कार्ड कटरा में ही बनवाए। कटरा में आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास से ऑफलाइन RFID कार्ड बनवा सकते हो। कार्ड बनवाने के लिए आपके पास एक ID होनी चाहिए। दोस्तों, जम्बू में सिर्फ पोस्टपेड सिम चलती है, इसीलिए आपकी प्रीपेड सिम यहाँ काम नहीं करेगी। आप चाहो तो कटरा में यात्री सिम भी ले सकते हो। यात्री सिम के लिए आपको 250 रुपये में 1.5 GB डेटा वाला प्लान मिल जाएगा। अगर आप 2 GB डेटा प्लान लेना चाहते हैं तो उसके लिए 300 रुपये देने होंगे। अब हम बात करते हैं कटरा में होटल कहाँ बुक करवाए। अगर आप बजट होटल लेना चाहते हो तो पुराने बस स्टैंड के पास गली में आपको बजट होटलें मिल जाएगी, जिनका किराया 500 रुपये से शुरू होता है। आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी रूम ले सकते हो। निहारिका कॉम्प्लेक्स में नॉन AC डोरमेट्री 150 रुपये प्रति व्यक्ति, AC डोरमेट्री 200 रुपये प्रति व्यक्ति, जबकि डबल बेडरूम 1200 से 1400 रुपये में मिल जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रियों के रुकने के लिए निम्न सुविधाएं दी गई है, जिनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आप इनमें से किसी भी जगह पर रुक सकते हो। कटरा के फवारा चौक से माता रानी वैष्णो देवी के मंदिर तक जाने के लिए 2 मार्ग है। पहला मार्ग पुराना मार्ग, जिसे हम बाण गंगा मार्ग भी कहते हैं। हम इसी मार्ग से माता रानी के दरबार भवन तक पहुंचेंगे। यह मार्ग 13 किलोमीटर लंबा है। कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर बाण गंगा चेक पोस्ट तक आप ऑटो के द्वारा जा सकते हो। ऑटो वाला आपसे 100 रुपये 3-4 व्यक्तियों के लेगा और आपको बाण गंगा चेक पोस्ट पर छोड़ देगा। बाण गंगा चेक पोस्ट पर आपको RFID कार्ड चेक करवाना होगा। आपके पास अतिरिक्त सामान है तो क्लॉक रूम में 50 रुपये प्रति बैग देकर जमा करवा दें, ताकि आपको चढ़ाई चढ़ने में आसानी रहेगी। जैसे ही आप पैदल यात्रा शुरू करोगे, यहां आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी। लगभग 100 मीटर चलने के बाद आपको गुलशन कुमार का लंगर मिलता है। यहां आप लंगर खा सकते हो। पुराने रास्ते पर ही पालकी पिट्टू और घोड़े की सुविधा मिलती है, इसीलिए अगर आपको
पालकी घोड़ा पिट्ठू चाहिए तो आप पुराना मार्ग पे ही आए। घोड़े पालकी पिट्ठू की दरें निम्न प्रकार से रहती है। घोड़े की दर अर्धकुमारी तक 650 रुपये और भवन तक 1250 रुपये। घोड़े पर आपके पास छोटा बच्चा है तो उसके 150 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। पालकी अर्धकुमारी तक 1800 रुपये और भवन तक 3500 रुपये देने होंगे। पिट्ठू के लिए अर्धकुमारी तक 600 रुपये और भवन तक 1000 से 1200 रुपये देने होंगे। अगर आपके साथ छोटा बच्चा भी है तो आप यहां से ट्रॉली किराया पर ले सकते हो। ट्रॉली के साथ में ये आपको एक बंदा भी देंगे जो बच्चे को लेकर ऊपर तक ले जाएगा। ट्रॉली का किराया 540 रुपये रहता है। आप खुद ही ट्रॉली ले जा सकते हो, उसके लिए ट्रॉली का सिर्फ आपको 300 रुपये देने होंगे। लेकिन आप ट्रॉली वाले बंदे को साथ ले जाए ताकि ट्रॉली को संभालने का झंझट आपके ऊपर नहीं रहे। माता रानी वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते समय आपको रास्ते में बहुत सारी होटलें जहां पर फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और सभी प्रकार के आइटम मिल जाएंगे, इसीलिए आप आसानी से चढ़ाई चढ़ सकते हैं। चेक पोस्ट से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद बाणगंगा आ जाएगा। बाणगंगा चेक पोस्ट पर स्नान करके आगे बढ़ जाए। कुछ दूर चलने के बाद आप चरण पादुका मंदिर पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर माता के पैरों के निशान बन गए थे, इसलिए यहाँ पर माता का बहुत ही सुंदर चरण पादुका मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद अर्धकुमारी के लिए आगे बढ़ जाए। बाणगंगा वाले रास्ते पर आप 526 सीढ़ियाँ चढ़कर शॉर्टकट भी ले सकते हो, लेकिन दोस्तों सीढ़ियों पर सीधी व खड़ी चढ़ाई है, इसीलिए आप शॉर्टकट नहीं ले तो ठीक रहेगा, आप स्लोप से ही चढ़ाई करें। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पीने के पानी व टॉयलेट की सुविधाएं मिल जाएगी। इस रास्ते पर चेक पॉइंट से अर्धकुमारी की दूरी 6 किलोमीटर है। चाहे आप बाणगंगा वाले रास्ते पर आओ या नया कोटा मार्ग पर आओ, दोनों ही रास्ते अर्धकुमारी में मिल जाते हैं। दोस्तों अब हम दूसरे मार्ग की बात करते हैं। इस मार्ग को नया कोटा मार्ग कहते हैं। इस मार्ग की कुल लंबाई 15 किलोमीटर है। यह मार्ग फुवारा चौक से 2.5 किलोमीटर ऑटो में चलने के बाद शुरू होता है। ऑटो वाला 4 सवारियों के 210 रुपये लेता है। आप कम भीड़ वाले रास्ते पर जाना चाहते हो तो यह रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस रास्ते पर घोड़े, पालकी और पिट्ठू भी नहीं चलते हैं। RFID कार्ड चेक पॉइंट से अर्धकुमारी की दूरी 7 किलोमीटर है। बाणगंगा वाले रास्ते से अर्धकुमारी से कुछ दूरी पहले भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता हिमकोटी होकर जाता है, इस पर आपको 5.5 किलोमीटर चलना होगा। इस रास्ते पर बैटरी वाले ऑटो भी चलते हैं। ऑटो की रेट 354 रुपये प्रति व्यक्ति रहती है। ऑफलाइन में ई ऑटो के टिकट के लिए बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है, इसीलिए अगर संभव हो तो आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ई ऑटो बुक करवा लें। ऑन द स्पॉट टिकट लेने में बहुत परेशानी होती है। अर्धकुमारी से भवन के लिए दूसरा रास्ता हाथीमत्ता होकर जाता है। इसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इस रास्ते पर चढ़ाई अधिक होने के कारण से आप हिमकोटी वाले मार्ग पर ही टनल से भवन तक जाए। अर्धकुमारी में आपको बहुत सारे भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए आप अर्धकुमारी में खाना खाकर कुछ रेस्ट कर सकते हो। अर्धकुमारी में माता रानी का मंदिर बना हुआ है, यहाँ आप पहले दर्शन करें उसके बाद भवन तक जाए। अर्धकुमारी के पास ही गर्भजून गुफा स्थित है। इस गुफा में माता बाल्यकाल में भैरव बाबा से छुपकर 9 महीने बिताए थे। गर्भजून गुफा में जाने के लिए आपको पर्ची कटवानी पड़ती है। पर्ची कटवाने के बाद आपका वेटिंग टाइम ज्यादा आ रहा है तो आप पहले भवन में दर्शन करके आ जाए, उसके बाद गर्भजून गुफा में दर्शन करें। अर्धकुमारी में लॉकर, डोरमेट्री और रूम की सुविधाएं भी मिल जाएगी। अगर आप रूम डोरमेट्री बुक नहीं करवाना चाहते हो तो 100 रुपये सिक्योरिटी के जमा करवा कर आप यहां से कंबल भी ले सकते हो। वापिस कंबल बुक करवाने के बाद 100 रुपये रिफंड हो जाएंगे।
दोस्तों अब हम अर्धकुमारी टनल वाले रास्ते से हम भवन के लिए चलते हैं। देवी माँ के भवन में पार्वती भवन में लॉकर में सामान जमा कर दे। पार्वती भवन में आप स्नान भी कर सकते हो। माता रानी के दर्शन करते समय मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। आइए दोस्तों माता रानी के वर्चुअल दर्शन करते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम भवन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है, वहां भी आप दर्शन करने जरूर जाएं। भवन से भैरव घाटी की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी व सीधी चढ़ाई है, इसीलिए आप भवन से रोपवे के माध्यम से भैरव बाबा मंदिर तक जाएं। रोपवे सुबह 7:45 से शाम को 5 बजे तक चलता है। रोपवे का किराया 100 रुपये रहता है। रोपवे का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वापस अर्धकुमारी के लिए यात्रा शुरू कर दें। आते समय आप गर्भजून गुफा में दर्शन कर सकते हो। दोस्तों माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के दिन रहते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर ठंड कम रहती है और तापमान भी सामान्य रहता है। अब हम माता रानी वैष्णो देवी यात्रा में होने वाले खर्च की बात करते हैं। अगर आप 2 व्यक्ति घूमने आ रहे हो तो खर्चा इस प्रकार से रहेगा। एक नाइट स्टे कटरा में 1000 रुपये, कटरा चौक से ऑटो का किराया आने जाने का 200 रुपये, खाने पीने के लिए 1000 रुपये, मोबाइल सिम का रिचार्ज 300 रुपये, अन्य खर्च 500 रुपये, टोटल खर्च 3000 रुपये हो जाएंगे। इस खर्च में कटरा तक आने और कटरा से वापस आपके शहर जाने के ट्रेन का किराया ऐड कर ले, ताकि आपका कुल खर्चा आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखे आप माता रानी के दरबार में दर्शन करने कब आ रहे हो। जय हिंद दोस्तों, जय माता दी।